अगर आप घर बैठे महाना 50,000 से 1,00,000 हलाल मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। लास्ट वीडियो में हमने B4U का अकाउंट बनाकर उसे एक्टिवेट किया था और कंपनी के बिजनेस की डिटेल भी शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप देखें, अकाउंट बनाएं और एक्टिवेट कर लें। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप B4U में बैंक अकाउंट के जरिए और मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बैंक के जरिए डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो सिंपली किसी भी बैंक में जाएं और कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें। बैंक आपको डिपॉजिट स्लिप देगा जिसकी आपने एक क्लियर पिक्चर बना लेनी है। इस पिक्चर को अपलोड कैसे करना है वो बाद में आपको बताता हूँ। अगर आप मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपने B4U ID को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इन तीन लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। न्यू डिपॉजिट के ऊपर टैप करें, मार्ट पे टैप करें और न्यू इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करें। करेंसी डॉलर ही रहने दें और कोई भी अमाउंट डाल दें। कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे तो कंपनी के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये सारा प्रोसीजर करने की सिर्फ ये वजह थी कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो कंपनी के बैंक अकाउंट्स जरूर चेक करें, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अकाउंट्स चेंज होते रहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में B4U के अकाउंट्स हैं, जिनमें यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, UK, सिंगापुर, रोमानिया, फिलीपींस के अलावा और भी कुछ कंट्रीज शामिल हैं। जिस भी कंट्री में आप रहते हैं इसको सिलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान के ऊपर टैप करेंगे तो जिस भी बैंक में B4U के अकाउंट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आपने वापस होम पेज पे आ जाना है। जो भी मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ करें इसको ओपन करें। मैं फिंगरप्रिंट ID यूज़ करता हूँ, इसे लॉगिन होने में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ पे पेमेंट्स के ऊपर टैप करें और इस पेज पे एनीवन के ऊपर टैप करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ऐड न्यू के ऊपर टैप करें और हमेशा B4U अकाउंट्स को IBAN के थ्रू ऐड करें। अब यहाँ पे जिस भी अकाउंट में आप डिपॉजिट करवाना चाहते हैं उस अकाउंट का IBAN टाइप करें। स्क्रीनशॉट जो हमने लिया था उसको ओपन करें, अकाउंट नंबर चेक करें और यहाँ पे एंटर करें। IBAN एंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो अकाउंट डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। अकाउंट टाइटल भी आ जाएगा जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद रिलेशन सेलेक्ट करें जो कि बिजनेस है और फिर ऐड के ऊपर टैप करेंगे तो OTP आपके नंबर पे आएगा। वो OTP यहाँ पे डालेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने पर्पस सेलेक्ट करना है। इसके बाद जितनी भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो रुपीस में एंटर करें। याद रहे इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में होती है और $1 ₹150 के बराबर है, जो कि फिक्स है, डॉलर का रेट कम या ज्यादा नहीं होता। कमेंट्स में अकाउंट के हिसाब से लिखना है। जैसा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है तो मैं ट्रेडिंग लिख देता हूँ। आप रिव्यू के ऊपर टैप करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अकाउंट डिटेल्स को रीचेक करें और पे के ऊपर टैप करेंगे तो आपके पैसे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप्स आपने ध्यान से करने हैं। अगर आपने कोई भी गलती की तो आपका डिपॉजिट अप्रूव नहीं होगा, इसलिए जितने भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे आपने फॉलो करने हैं। जब मोबाइल ऐप से ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके बाद बैंक की तरफ से आपको एक ईमेल आती है और मोबाइल में मैसेज भी आता है, और ये दोनों सर्विसेज आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए। अगर आपको ईमेल या फिर मैसेज नहीं आता तो ट्रांजेक्शन से पहले आपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और ये दोनों सर्विसेज एक्टिवेट करवानी है और इसके बाद B4U में इन्वेस्टमेंट करनी है। ट्रांजेक्शन होने के बाद हम पेमेंट प्रूफ को एक ही पिक्चर में मर्ज करते हैं। अगर आप बैंक में जाकर B4U में डिपॉजिट करवाते हैं तो वो डिपॉजिट स्लिप का होना ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके लिए ई स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट, जो मोबाइल पे मैसेज आएगा उसका स्क्रीनशॉट और जो ईमेल आएगी उसका स्क्रीनशॉट, तीनों का होना ज़रूरी है, वरना आपका डिपॉजिट अप्रूव नहीं होगा। मेरे पास मैसेज, ईमेल और ई स्टेटमेंट तीनों आ चुके हैं। मैं आपको भी बता देता हूँ कि आप इनका स्क्रीनशॉट किस तरह से लेंगे। सबसे पहले ई स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लें, मोबाइल ऐप को ओपन करें और टॉप लेफ्ट साइड में इन तीन लाइंस के ऊपर टैप करें और यहाँ पे ई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के ऊपर टैप करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन को ओपन करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब वापस आएं और मैसेज को ओपन करें। ट्रांजेक्शन का जो भी मैसेज आया होगा उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब ईमेल को ओपन करें और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन तीनों को हमने एक ही पिक्चर में मर्ज करना है। इसके लिए बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं पिक्सेल ऐप यूज़ करता हूँ। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें फुल HD इमेजेस को रेंडर कर सकते हैं।
पिक्सेल ऐप को डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। इसका साइज यही रहने दें और इंपोर्ट बटन के ऊपर टैप करें और गैलरी से एक स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करें। इस पिक्चर को क्रॉप करने के बाद इसको एडजस्ट कर लें। उसके बाद फिर से इंपोर्ट में जाएं और दूसरा स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करें, क्रॉप करें और एडजस्ट कर लें। इन दोनों पिक्चर्स को एक साइड में एडजस्ट करें ताकि इनमें जो डिटेल्स हैं वो देखने वाले को आसानी से समझ आ सके। इनको थोड़ा सा ऊपर कर लें और नीचे वाली साइड में अपनी बी फॉर यू आईडी लिख दें। आईडी आपको बी फॉर यू अकाउंट से मिल जाएगी। उसे कॉपी करें और पिक्सेल ऐप में टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके इसको पेस्ट कर दें। इसको एडजस्ट करें, साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब फिर से इंपोर्ट में जाएं और ईमेल को ओपन करें, क्रॉप करें और साइज़ को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें। अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में इन तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, क्वालिटी में अल्ट्रा सेलेक्ट करें और सेव टू गैलरी पर टैप करेंगे तो ये इमेज आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। अब हमने कंपनी को बताना है कि भाई हमने डिपॉजिट कर दिया है और ये इसकी डिपॉजिट स्लिप है। अपने बीफर अकाउंट में लॉगिन करें, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इन तीन लाइंस के ऊपर टैप करें और डिपॉजिट के ऊपर टैप करें। यहाँ पे मैं $250 की इन्वेस्टमेंट पहले से कर चुका हूँ जो कि अप्रूव हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सिंपली न्यू डिपॉजिट के ऊपर टैप करें, डिपॉजिट मार्ट में न्यू इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करें, करेंसी डॉलर ही रहने दें और जितनी भी अमाउंट आपने डिपॉजिट की है इसको डॉलर में लिखें जो कि $1 ₹150 के बराबर है। मैंने 69,000 की इन्वेस्टमेंट की है जो कि $460 बनते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, अगर आप $50 से $300 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पर कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप $301 से $1,000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस पर $10 डिपॉजिट फीस होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप $700 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको $710 पे करना होंगे और जब अप्रूव होगी तो $700 आपके अकाउंट में शो हो जाएंगे। और अगर $1,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन होगी तो इस पर $30 चार्ज होंगे। अमाउंट डालने के बाद कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पे हमने पेमेंट प्रूफ देना है, जो स्लिप हमने बनाई है इसको अपलोड करना है और अगर आपने बैंक डिपॉजिट करवाया है तो डिपॉजिट स्लिप अपलोड करनी है। चूज फाइल के ऊपर टैप करें और जो स्लिप हमने बनाई है इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी। अब जिस बैंक में हमने डिपॉजिट करवाया है उस बैंक का नाम यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है जो कि फैसल बैंक है। यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है जो कि ई स्टेटमेंट के ऊपर लिखी होती है। इसको आपने केयरफुली चेक करके लिखना है क्योंकि यही आईडी आपकी ट्रांजैक्शन का प्रूफ होती है। सबमिट पेमेंट के ऊपर टैप करेंगे तो डिपॉजिट हो जाएगा। कंपनी अकाउंटेंट्स आपके डिपॉजिट स्लिप को चेक करेंगे, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे और विद इन 24 आवर्स आपका डिपॉजिट अप्रूव हो जाएगा और इसका एक पोर्टफोलियो भी बन जाएगा जिसमें आप अपनी ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हैं। मेरा $250 का डिपॉजिट अप्रूव हो गया है और ये 460 पेंडिंग है जो कि कल तक अप्रूव हो जाएगा और इसका प्रॉफिट आपके अकाउंट में डेली बेसिस पे आएगा। आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप बीफर यू ग्लोबल में अकाउंट क्रिएट करके उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और बहुत सारे लोग इस कंपनी से फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।